गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ दी, स्वागत है तुहाडे अपने चैनल एम एस डब्ल्यू स्टडी फॉर जॉब दे विच। गल करांगे पंजाबी मास्टर केटर दे नाल संबंधित लैक्चर दी, और लैक्चर रहेगा तुहाडा 85 नंबर। इस तो पहला 84 लैक्चर अपने टोटल बन चुके हैं पंजाबी मास्टर केटर दे। और जेकर देखा जाए पंजाबी मास्टर केटर की अपनी क्लास हर रोज़, ठीक है जी, नोटिफिकेशन चला गया लगभग सारे को, जल्दी आ जाओ लाइव। पंजाबी मास्टर केटर की क्लास जेकर देखा जाए हर रोज़ अपनी 10 बजे मॉर्निंग चलती है वैसे तो, पर जो आप मॉर्निंग क्लास नहीं लेंगे, हाँ जी परमिंदर गिल जी ठीक है, जो आप मॉर्निंग क्लास नहीं लेंगे तो अपनी क्लास एस एस टी की क्लास 4 बजे जो चलती है ईवनिंग, तो इस क्लास तो बाद अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये दोनों टाइम ही जो अपने पंजाबी की क्लास के है जा अपनी क्लास मॉर्निंग होएगी, जेकर मॉर्निंग क्लास नहीं लगेगी तो ईवनिंग एस एस टी तो बाद अपनी क्लास जरूर लगती हैगी है। चलो जी आ जाओ आंसर कर दो, 100 नंबर का की रहेगा, और बिल्कुल जिन्हें अज क्वेश्चन लगभग 30-35 क्वेश्चन करावे, जल्दी जल्दी करावे, थोड़ा स्पीड न करावे, आंसर जल्दी कराया करो। हाँ जी गुड ईवनिंग दिवीस्ट पूर कौर, मनप्रीत बराड़, ओके जी करो आंसर। हाँ जी आंसर करो की रहेगा इसका 100 नंबर का, मन दिया मन विच एकांगी का विशा की है, दसांगे मन दिया मन की है असल दे विच, एक बार आंसर करो जी। आंसर कल भी कर लिया से आप बिस्तर था, ठीक है। आंसर की रहेगा इसका, आंसर रहेगा ससा, अनजोड़ ब्याह इसका राइटर आंसर रहेगा डी, ठीक है। हुण इत्थे थोड़ा जिहा सुन लो, हरचरण सिंह की ही एकांगी है, अनजोड़ ब्याह किस दा है, हरचरण सिंह का, डॉक्टर हरचरण सिंह का, ठीक है। और पहली एकांगी जेकर देखी जाए डॉक्टर हरचरण सिंह की, वह गंगा राम, कि एकांगी है गंगा राम, 1936 जी लिखी गई गंगा राम पहली एकांगी है डॉक्टर हरचरण सिंह की, मन दिया मन में यह भी डॉक्टर हरचरण सिंह की है। और इस तो बाद संग्रह मिल जाते हैं जो उसके जीवन लीला एकांगी संग्रह जोड़े मिल जाते हैं, जीवन लीला, सप्त ऋषि, पंज गीटड़, ठीक है। इस तरह के एकांगी संग्रह भी इसने मिल जाते हैं डॉक्टर हरचरण सिंह के। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ताश की बाजी का लेखक कौन है, एक का 101 का आंसर करो, ताश की बाजी का लेखक कौन है, जल्दी आंसर करो जी। आंसर करो की रहेगा 101 का, ताश की बाजी का लेखक कौन है, डॉक्टर हरचरण सॉरी डॉक्टर आत्मजीत, डॉक्टर अमरीक सिंह संधु, डॉक्टर हरचरण सिंह, और डॉक्टर डॉक्टर नहीं बोलेंगे चरणदास सिद्धू। आंसर करो 101 का आंसर जी, पहला वाले आंसर हो चुके अपना अनजोड़ ब्याह, अगला क्वेश्चन है 101, जल्दी करो। नाल दी नाल तुहानू दस दिए जो ताश की बाजी है किसका आंसर होएगा, आंसर करो पहला इसका, फिर कुछ ना नवी चीज़ा दसांगे जी। हाँ ताश की बाजी कांगी किसका हो चुके है, आंसर तुहाडा आ चुके है, दो आंसर जिन्होंने दिता सागर कंबोस, सी आंसर नहीं होगा, दो आंसर होगा डॉक्टर अमरीक सिंह। ताश की बाजी किसका है, अमरीक सिंह का है, ठीक है, एकांगी है। और इस तो बाद इस एकांगियां आ जाती हैं, आंध्रा आ जाता स्वार्थी कोट आ जाती हैं, ठीक है, डॉक्टर अमरीक सिंह दी होर एकांगियां आई दियाँ आंध्रा ते स्वार्थी कोट, और ताश की बाजी भी इसकी ही रचना है किसकी, अमरीक सिंह की। आंसर रहेगा हाँ जी 101 का आड़ा रहेगा, बिल्कुल नाइस। चलो अगले क्वेश्चन तैयार, ऑफिशियल या ऑफिशियल कहेंगे चाहे चाहे प्रीवियस कह लो, तो यो क्वेश्चन कर रहे हैं आप जो कि इस तो पहला पूछे जा चुके हैं मास्टर केडर जिनी कहेंगे टी जी टी के पिछ, है ना। अगला क्वेश्चन 102 नंबर, अन्ने नचांसी एकांगी का विशा की है, अन्ने नचांसी एकांगी का विशा की है, करो आंसर। 1947 के दंगे, 1984 के कातल, भारत पाकिस्तान की लड़ाई, हरप्रीत सिंह जी गुड ईवनिंग, संसार अमन, 102 का आंसर करो जी की रहेगा, अन्ने निशांची एकांगी का विशा की है, जो कि अजमेर औलख की लिखी एकांगी है अन्ने निशांची। इस तो अलावा एकांगी
कुछ होर भी मिल जाते हैं अजमेर औलख के, जिमें जदों बहुल, ठीक है। इस तो अलावा कुछ होर जिमें लोहे का पुत, सीधा राह, बिंगा बंदा, इस दे कंघी मिल जाते हैं अजमेर औलख के, और ये भी अजमेर औलख का ही है अन्ने निशानची, ठीक है। हुण तुसीं दसना कि इसका विशा की होगा अन्ने निशानची का। चलो जी 102 का आंसर, अन्ने निशानची का आंसर तुसीं दिता है, आंसर ऊड़ा होएगा बिल्कुल, 1947 दे दंगे देश बनने नाल संबंध है अन्ने निशानची वाली जिहड़ी एकांगी है अजमेर औलख दी, ठीक है। इस तो अलावा कुछ होर एकांगियां, सीधा राह, बिंगा बंदा, लोहे का पुत, इस दियां एकांगियां मिल जांदियां अजमेर औलख दियां, नोट करो जरूर। आंसर हैगा इसका ऊड़ा, 1947 दे दंगे। चलो अगे, कामागाटा मारू नाटक का लेखक है, कामागाटा मारू एक नाटक है, वैसे तुसी कामागाटो मारू हिस्टरी दे विच एक स्टोरी भी देखी होनी, कामागाटा मारू जहाज वाली। चलो आंसर करो 103 का की रहेगा, कामागाटा मारू नाटक का लेखक कौन है, हरचरण सिंह है, डॉक्टर हरचरण सिंह है, बलवंत गार्गी है, डॉक्टर आत्मजीत है। 103 का आंसर जी करो। ओके ठीक है जी, सुंदर रानी पहला आंसर तुहाडा, 103 का आंसर करो, कामागाटा मारू नाटक का लेखक कौन है जी, कामागाटा मारू नाटक का लेखक, आंसर तुहाडा की आ रहा, बी आंसर। शैली चंद्र ठीक है, गुरविंदर सिंह ठीक है जी, गरिमा शर्मा ठीक है, बी आंसर ठीक है बिल्कुल, डॉक्टर हरचरण सिंह। इस तो अलावा इसे नाटक मिल जाते हैं डॉक्टर हरचरण सिंह दे, जो इंपॉर्टेंट है, कामागाटा मारू हो गया, राजा पोर्स हो गया, रत्ता शालू हो गया, ठीक है, रत्ता शालू तो वह भी इस दे नाटक है डॉक्टर हरचरण सिंह दे, तो कामागाटा मारू नाटक इसका डॉक्टर हरचरण सिंह, राइट आंसर है तो आड़ा। अगे आ जाओ, कणक की बल्ली नाटक का लेखक है, कर चुके आप इस तो पहले इस क्वेश्चन TGT 2015 के पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कणक की बल्ली नाटक का लेखक कौन है, 104 का आंसर करो जी की रहेगा, कणक की बल्ली बिल्कुल सारे आंसर इसका आता ही है, लगभग बहुत ही मशहूर नाटककार कह सकते हैं आप। ओके आंसर है इसका डी बिल्कुल, बलवंत गार्गी, कणक की बल्ली का जो लेखक है वह है बलवंत गार्गी, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जेकर देखा जाए डॉक्टर हरचरण जो आप पिछले क्वेश्चन गल की सी, तो इसनों नाटक का बाबा बोहड़ कहा जाता है, डॉक्टर हरचरण नाटक का की कहा जाता है, बाबा बोहड़ कहा जाता है, और इसका आंसर जो अपना हो जाएगा, कणक की बल्ली किसकी रचना है, बलवंत गार्गी की रचना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ की रहेगा, शाहू शामू शाह का करता कौन है, करो आंसर 105 का, शामू शाह का करता कौन है, जल्दी जल्दी कर दे रहे थोड़े, शामू शाह का करता कौन है, ईश्वर चंद्र नंदा, नौरा रिचर्ड, मिसेज नौरा रिचर्ड इसको बोलते हैं आप, बलवंत गार्गी, हरचरण सिंह जी। 105 का आंसर करो की रहेगा, सारे करो जल्दी, 105 का आंसर की रहेगा। हाँ शामू शाह जो रचना 1928 दे विच आई है, किसकी है आंसर, ओके मर्चेंट ऑफ वीनस जिसनों कहा जाता है ना, मर्चेंट ऑफ वीनस किसनों कहा जाता है, ईश्वर चंद्र नंदा नू बोलिया जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका ईश्वर चंद्र नंदा, बिल्कुल राइट आंसर हैगा ईश्वर चंद्र रंदा नंदा, जिसनों एसी नंदा भी बोल देंगे, आंसर नंबर एक रहेगा, शामू शाह ठीक है, इसदी है 1928 के रचता है। इस तो अलावा इस दे कुछ होर है नाटक, जिमें बरकर, बरकर इसका अपोनेंट नाटक है, बरकर जिसनों के लीली का ब्याह भी कह देंगे, लीली का ब्याह,
ईश्वर चंद्र नंदा का और शामू शाह नाटक भी किसका ईश्वर चंद्र नंदा का जो कि 1928 के आया। लीली का विआह भी 1928 के आया से इसका ईश्वर चंद्र नंदा का। इस तो अलावा इसके एकांगी संग्रह मिल जाते हैं ईश्वर चंद्र नंदा के। एकांगी संग्रह कि है चमकारे लिशकारे तो एक है चलकारे। ठीक है, चलकारे लिशकारे चमकारे जो चलकारे झज्जे पैंदा ईश्वर चंद्र नंदा दे एकांगी संग्रह मिल जाते हैं झज्जे वाला चलकारे। ठीक है, चलकारे जो है 1951 दे विच आया। एक है उस तो बाद चमकारे, चमकारे 1966 दे विच। फिर है लिशकारे, लिशकारे हुंदा है 1953 दे विच। ए एकांगी संग्रह है ईश्वर चंद्र नंदा दे, चमकारे लिशकारे जा रख लियो। चलो अगला, आधुनिक नाटक साहित्य की नुक्कड़ दादी कौन है जी? आंसर तो डाना स्टार्ट हो चुके हैं बिल्कुल। आंसर आधुनिक नाटक की नुक्कड़ दादी, नक्कड़ दादी लिखांगे इतने वैसे, नुक्कड़ दादी कौन है? आंसर जी 106 आंसर सी बिल्कुल तुहाडा सही है। जिन्होंने आंसर कर दिता मिसेज नौरा रिचर्ड। ठीक है, एक ये जंपल जिहड़ी बारली हैगी सी, जन्म इसका बार होया सी शायद किहड़ा देश से एक्टम याद नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, विदेशी कह सकते हैं इसनों आपां। और काफ़ी एज इसकी रही है जिसनों नक्कड़ दादी कहा गया। किसने कहा नक्कड़ दादी इसनों? बलवंत गार्गी ने कहा, बलवंत गार्गी ने इसनों नक्कड़ दादी कहा आधुनिक नाटक साहित्य की। किसनों? मिसेज नौरा रिचर्ड नू। ठीक है, याद रखियो। अगले क्वेश्चन ते आ जाओ। नाटक विच कथा रिस का संकल्प है, नाटक विच कथारिसिस का संकल्प की है? लैक्चरार 2016 के पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नाटक विच कथारिसिस का संकल्प की है ज संकल्प का देन है किसकी है? करो आंसर, प्लेटू का है, अरस्तू का है, ब्रैडले की है ज शेक्सपीयर की देन है? करो आंसर, करो जी आंसर की है। यूनानी शब्द है शायद एक कथारसिस जो कि नाटक के लिए वरत्या गया। एक किस दी देन है? हाँ जी, आईलैंड की मनिया जाता है। कहिंदे जिहड़ी नौरा रिचर्ड है किसी मिसेज नौरा रिचर्ड आईलैंड के रे रहने वाले से, जन्म उन्हों का आयरलैंड लिखा जा आईलैंड, आयरलैंड होएगा, आईलैंड नहीं होएगा, हाँ आयरलैंड होएगा। बिल्कुल सही संजय कुमार, अमरजीत कौर आयरलैंड की जी रहन वाली सी, जन्म जिन्हों का होया सी नौरा रिचर्ड का। आंसर करो, नाटक विच कथारसिस का संकल्प देन है किसकी? आंसर है 107 का 2 अरस्तू, अरस्तू बिल्कुल राइट आंसर है। आड़ा बिल्कुल नाइस आंसर है तुहाडा, आड़ा। अगे आ जाओ, नाटशाला अमृतसर का संस्थापक कौन है? आंसर करो जी की रहेगा, अनीता देवगन, जतेंद्र बड़ार, इरदीप जगदीश सचदेवा। करो, नाटशाला अमृतसर का संस्थापक कौन है? ठीक है, करो आंसर जी जल्दी। 108 का आंसर, नाटशाला अमृतसर का संस्थापक कौन है? ओके, 108 का आंसर तुहाडा आ रहे हैं जो बिल्कुल आड़ा आंसर। ठीक है, जितेंद्र बराड़, 108 का आंसर रहेगा जितेंद्र बराड़, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा जी। एक मिनट चेक कर दें थोड़ा जा, हाँ जितेंद्र बराड़ ही रहेगा, नाटशाला अमृतसर का संस्थापक जितेंद्र बराड़, जो कि लैक्चरार 2016 पूछा जा चुका क्वेश्चन। अगले ते आ जाओ, बलवंत गार्गी का नाटक लोहा कुट कदों लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है बलवंत गार्गी का, कणक की बली होएगा इसका नाटक। एक होया लोहा कुट, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है गया। करो आंसर, कदों लिखा गया बलवंत गार्गी का नाटक लोहा कुट कदों लिखा गया? आंसर, धूनी की अग इसका एक नाटक है, धूनी की अग, एक कणक की बली, एक धूनी की अग, एक लोहा कुट, ये जड़े काफ़ी प्रसिद्ध नाटक कह सकते हैं आप, याद रखियो इन्हां बारे जरूर। बलवंत गार्गी के मिल जाते हैं, धूनी की अग, कणक की बली, लोहा कुट। लोहा कुट कदों लिखा गया? 109 का आंसर तुसी कर दो।
जी पूर कौर दविंदर सिंह, ठीक है आंसर 44 हो जाएगा, 1947। वेरी गुड जी, वरिंद्रपाल सिंह जी। हाँ एक जानकारी है, जो नौरा रिचर्ड है, मिसेज नौरा रिचर्ड, उसनू लेडी ग्रेरी ग्रेगरी बोलिया जाता, ठीक है ग्रेगरी बोलिया जाता, लेडी ग्रेगरी पंजाब के जो आई उसू पंजाब के नाम दिता गया, पंजाब की बोलिया जाता कहने का मतलब। चलो बहुत नाइस, ये होगा 1947 का राइट आंसर। लोहा कुट बलवंत गार्गी का नाटक कदों लिखा गया, 1947। इस तो बाद इसका नाटक एक धूनी की अग मिल जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिल जाता कणक की बली। चलो अगला, रेडियो नाटक विच किस उपर वधेरे बल दिता जाता है? रेडियो नाटक जिहड़ा खेडिया जाता, रेडियो ते आपां सुणदे आ, कहण दा मतलब आपां नूं आवाज़ ही सुणदी आ, दिखदा तां है नहीं कुछ, है ना, उस नूं बोलदे आ रेडियो नाटक। तां रेडियो नाटक किस उपर वधेरे बल दिंदा है? संगीत उत्ते, आवाज़ उत्ते, संवाद उत्ते, जां तिन्नां उपर? हुण तुहानूं आप नूं ही पता होना चाहिए भी मैं एक रेडियो नाटक ही मान लो मैनूं। वैसे तां आपां तां देख रहे हैं, आपां रेडियो नाटक नहीं हो सकते सॉरी, क्योंकि अपने कोल स्क्रीन ते शो हुंदा है, जिस चीज़ दे विच शो नहीं हुंदा कुछ, सिर्फ आवाज़ सुनती हो, म्यूजिक सुनता हो, गलबात सुनती हो, उसनू बोलते हैं रेडियो नाटक। तो रेडियो नाटक दे विच की चीज़ां जरूरी है, किस चीज़ पर बल दिता जाऊगा? 110 का आंसर तुसी आप ही कर दोगे, बिल्कुल आसान होएगा, डी बिल्कुल सही है तुहाडा, डी आंसर है बिल्कुल। ओके जी, डी आंसर है बिल्कुल, तिन्ना उपर, ठीक है, संगीत उपर भी आवाज़ उपर भी। हुण एक चीज़ सुन लो, जिहड़ा नाटक हुंदा ना, वैसे नाटक का मतलब की हुंदा है? ड्रामा हुंदा ना, नाटक का मतलब की हुंदा है? नाटक का मतलब हुंदा है किसी की नकल करनी, स्वांग धारना किसी नूं कहिंदे ना, स्वांग धारना बोलते हैं। नाटक भी कई तरह के हुंदे हैं, जिवें अपने कोल आ गया रेडियो नाटक आ गया, रेडियो नाटक, रेडियो नाटक तो अलावा जो अपने कोल होर नाटक कि आ जाते हैं, एकांगी नाटक आ जाता है, ठीक है, एकांगी नाटक तो बाद आ जाता पूरा नाटक, पूरा नाटक का मतलब हुंदा जिहड़ा कंप्लीट नाटक, लघु नाटक आ जाता अपने कोल, काव्य नाटक हुंदा एक, किहड़ा नाटक? काव्य नाटक। इस तो अलावा अपने कोल गीत नाटक आ जाता है, संगीत नाटक आ जाता है, एक अपने कोल होर हुंदा जो कि परछावें का नाटक आ जाता, परछावां जो कि आपां नूं परछावें राहीं दिखाई जांदियां चीज़ां, ठीक है, तो आप पर्दे उपर जो परछावा पाया जाता, एक नाटक खेडा जाता, तो उसनों किहड़ा नाटक बोलते हैं? परछावा नाटक। तो इस तरह नाटक, कई तरह के नाटक अपन मिल जाते हैं, याद रख लियो, एकांगी नाटक, पूरा नाटक, काव्य नाटक, गीत नाटक, संगीत नाटक, एंड परछावा एंड लघु नाटक, ठीक है, और रेडियो नाटक, एक होर नाटक टीवी नाटक, ठीक है, किहड़ा नाटक मिलता है? टीवी नाटक, टीवी पर खेडा जाता। चलो अगले ते आ जाओ, पंजाबी नाटक विच लोक नाटक दीयां विधियां अपनाउण वाला नाटककार है? करो आंसर, पंजाबी नाटक विच लोक नाटक दीयां विधियां नूं अपनाउण वाला नाटककार है? बलवंत गार्गी, कपूर सिंह कुम्मन, हरचरण सिंह, आत्मजीत, की रहेगा? 111 दा आंसर तुहाडा, जी हाँ 111 का आंसर, आंसर थोड़ा आ चुके है लगभग, हाँ ए आंसर हो सकता है 111 का। चलो 111 का आंसर करो बलवंत गार्गी, बिल्कुल आंसर है ए। अगले ते आ जाओ, नाटक का मूल तत्व की हुंदा है? नाटक का मूल तत्व की हुंदा है? आंसर करो जी, हाँ 11 का उड़ा हो चुकिया बलवंत गार्गी। अगला क्वेश्चन है 12, नाटक का मूल तत्व है? पात्र चित्रण, वार्तालाप, कथानक, जीवन दर्शन, करो आंसर। 112 का आंसर की रहेगा जी? आंसर रहेगा इसका बिल्कुल तुहाडा आ चुके है, 112 आंसर बी, बी जो कर रहे हैं बिल्कुल राइट होएगा,
वार्तालाप। वार्तालाप राइट आंसर हो गया 120। ठीक है, वार्तालाप 112 आंसर राइट है वार्तालाप। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप कल परसों ही किया शायद, जिन्होंने अपनी MSW हिंदी इन स्टडी वाली जी वीडियो देखी है CTET वाली, तो उन्होंने पता होगा कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। दंडी की है, हर्षवर्धन की है, कालीदास की है, या भरत मुनि की है? ठीक है, हिस्ट्री वास्ते, CTET वास्ते, SST वास्ते अपना एक चैनल है MSW स्टडी इन हिंदी, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस विच तुम्हें प्राचीन काल दी लगभग 50 बुक्स जिहड़ियां वख-वख लेखकों द्वारा लिखिया गई रचित की गई उन्हों की जानकारी मिल जाएगी। एक लैक्चर उत्थे अपडेट हैगा, वो जरूर देख लियो। चलो नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि राइट आंसर होएगा तुहाडा। हाँ, वार्तालाप नाटक की जिंद जान होंदी है प्रेंद्रपाल, बिल्कुल सही है, इस करके उसनू मूल तत्व बोलते हैं, विशा कह सकते हैं, या वार्तालाप विशा जो भी है। भरत मुनि इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल तुहाडा, आंसर नंबर ई 113 का सी। चलो अगले ते आ जाओ। अंबिया नू तरसेंगी किस साहित्यक विधा की रचना है? अंबिया नू तरसेंगी चरणदास सिद्धू की रचना है, यह अंबिया नू तरसेंगी, पर यह की है? काव्य नाटक है, और सॉरी काव्य संग्रह है, या नाटक है, या नावल है, या हास व्यंग है? अंबिया नू तरसेंगी करो आंसर। 14 आंसर बी, 114 आंसर बी बिल्कुल तुहाडा सही लग रहा मैनू। ठीक है, नाटक एक ही एक नाटक है अंबिया नू तरसेंगी, किसका? चरणदास सिद्धू का। चरणदास सिद्धू का है नाटक अंबिया नू तरसेंगी। चलो गगन में थाल किस नाटक की रचना है? किस दी नाटक रचना है? करो आंसर। गगन में थाल किस दी नाटक रचना है? गुरदयाल सिंह फुल, गुरशरण सिंह, आत्मजीत, बलवंत गार्गी। 115 का आंसर की रहेगा? करो जी। गगन में थाल आंसर तो डाउन स्टार्ट हो चुके, 115 का आंसर रहेगा ससा, बिल्कुल सही है आंसर। गगन में थाल किस दी रचना है? वन मिनट। हाँ करो आंसर। गगन में थाल किसकी रचना है? मास्टर मिस्टर 2016 के पूछा जा चुका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं मास्टर मिस्टर 2016 के, आंसर है बलवंत गार्गी। आप कर चुके हैं, इस तो पहला तुम्हें पता होना चाहिए गगन में थाल किसकी रचना है, जरूर आप किया सी। ठीक है, आंसर है ससा। अगला, बलवंत गार्गी को भारतीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना उपर मिलया? ये भी आप कर चुके हैं क्वेश्चन, मास्टर मिस्टर 2016 के पूछा जा चुके, आंसर करो की रहेगा 116 का। बलवंत गार्गी को भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना उपर प्राप्त होया है? आंसर जी, आंसर की रहेगा 116 का। ओके बिल्कुल राइट आंसर है रंगमंच। हाँ 116 का रहेगा सी, रंगमंच से जिहड़ा बलवंत गार्गी नू भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले रंगमंच के लिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। आई सी नंदा दे एकांगी संग्रह हैं, आई सी नंदा दे एकांगी संग्रह हैं, क्वेश्चन नंबर है ए वाला, करो आंसर। आई सी नंदा दे एकांगी संग्रह हैं 5, 3, 4, 2, करो 117 का आंसर। 116 का हो चुके अपना आंसर रंगमंच, 117 का आंसर करो। आई सी नंदा दे एकांगी संग्रह हैं 5, 3, 4, 2, 117 का आंसर जी, जल्दी। सॉरी आंसर करो 117 का, आई सी नंदा दे एकांगी संग्रह हैं किन्ने? हाँ 3। हुणे इह गल कीती सी शायद आपां, है ना,
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਚਮਕਾਰੇ, ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ, ਝਲਕਾਰੇ, ਝੱਜੇ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਝਲਕਾਰੇ, ਇੱਕ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ, ਇੱਕ ਚਮਕਾਰੇ। ਤਿੰਨ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਈ ਸੀ ਨੰਦਾ ਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤਿੰਨ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ। 117 ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, 3 ਈਡੀ ਆਂਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, 117 ਦਾ ਸੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਮਕਾਰੇ, ਝਲਕਾਰੇ, ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ। ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਰੋ ਆਂਸਰ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਵਿਸਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੇਸ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਮਿਸਟਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਂਸਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਰੋ। ਹਾਂ, 118 ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, 118 ਦਾ ਆਂਸਰ ਓਕੇ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ। ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਊੜਾ। ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ? ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਊੜਾ, ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ, ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਝੁੱਗਲ ਮਾਟਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਂਸਰ ਕਰੋ 119 ਦਾ। ਸੋਰੀ, 119 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਝੁੱਗਲ ਮਾਟਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। 119 ਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਂਸਰ, ਸੀ ਆਂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਅਰਸ਼ਵੀਰ, ਸ਼ੈਲੀ ਚੰਦਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਈੜੀ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਹੈ ਝੁੰਗਲ ਮਾਟਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਪਿਆ ਕਿਉਂ ਖਪਿਆ ਕਿਉਂ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਮਿਸਟਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਪਿਆ ਕਿਉਂ ਖਪਿਆ ਕਿਉਂ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਰੋ ਆਂਸਰ। 120 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? 120 ਦਾ ਆਂਸਰ ਤਪਿਆ ਕਿਉਂ ਖਪਿਆ ਕਿਉਂ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲੇਖ ਕੌਣ ਹੈ? 120 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਆਂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 120 ਦਾ ਆਂਸਰ ਜਲਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਊੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਤਪਿਆ ਕਿਉਂ ਖਪਿਆ ਕਿਉਂ ਇਸਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਅਗਲੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ? ਕਰੋ ਆਂਸਰ। 121, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਚਲੋ, ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਹਲੇ ਵੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? 121 ਦਾ ਆਂਸਰ, ਹਾਂ 120 ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। 121 ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। 121 ਦਾ ਆਂਸਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਓਕੇ, 121 ਦਾ ਆਂਸਰ 2 ਨੰਬਰ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,
हरचरण सिंह दे शब्द ऋषि सुनिया सी, एक देखिया सी आपां जीवन लीला एक पंज गीटड़ा, ठीक है। तो इस दे एकांकी संग्रह मिल जाते हैं हरचरण सिंह दे, शब्द ऋषि, जीवन लीला, पंज गीटड़ा, ठीक है, गीटड़ा। ओके, अगले ते आ जाओ, पंजाबी नाटककार बलवंत गार्गी का देहांत होया, करो आंसर। पंजाबी नाटककार बलवंत गार्गी का देहांत कदों होया, 122 का आंसर, मास्टर मिस 2016 में पूछा जा चुके हैं, कर चुके हैं इस तो पहले आंसर। वैसे तो आप क्वेश्चन बहुत बारी कर लिया, आप आंसर तुहाडे बताओ की होएगा 122 का, 2003 बिल्कुल राइट, ए आंसर है जी, 122 का ए आंसर, 2003 बलवंत गार्गी का देहांत होया। अगले क्वेश्चन दे आ जाओ, पंजाबी दे किस नाटककार ने अपनियां नाट रचनावां विच दुआबे खिते की अंचलता नूं पेश कीता है, करो, ये भी आप कर चुके हैं जो कि मास्टर मिस्टर 2016 दे विच पुछिया जा चुके हैं। पंजाबी दे किस नाटककार ने अपनियां नाट रचनावां विच दुआबे खिते दियां अंचलित नूं पेश कीता है, करो आंसर। सुन एक चीज़ नोट करा दिए कि जिहड़ी पंजाबी दी क्लास है वैसे तो अपनी मॉर्निंग 10 बजे ही हुंदी है क्लास हर रोज़, क्योंकि दो क्लासा अरेंज करनियां एक टाइम थोड़ा जिहा औखा हो जांदा मेरे लिए भी और तुहाडे लिए भी, तां 10 बजे ही तैयार रहा करो वैसे तो, पर कई बार एमरजेंसी आ जाती है। हुण 3 दिन जिहड़ी अपनी क्लास जिहड़ी ईवनिंग लगती रही है, अज भी ईवनिंग चल रही है ना, थोड़ी जी एमरजेंसी करके आप ईवनिंग ला लैंदे आ, शायद कल नूं कोई एमरजेंसी ना आवे तो अपनी क्लास 10 बजे मॉर्निंग मिल जाएगी तुहानूं पंजाबी मास्टर गेट दी। चलो आंसर नंबर 123 का बिल्कुल हो जाएगा सस्सा, चरणदास सिद्धू। अगले क्वेश्चन ते आ जाओ, चरणदास सिद्धू राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, करो, हेठ लिखे पंजाबी नाटककारां विचों किसने पंजाबी नाटक नूं सब तो पहला रंगमंच नाल जोड़िया, मास्टर मिस्टर 2016 का क्वेश्चन फिर है हाले तक, 124 का आंसर। हेठ लिखे पंजाबी नाटककारां विचों किसने पंजाबी नाटक नूं सब तो पहला रंगमंच नाल जोड़िया, आंसर करो, 24 का की रहेगा, 124 का आंसर जी। एक सौ चौबी का आंसर तुहाडा करो आंसर, 124 का जल्दी, हाँ 124 आंसर हैगा सस्सा, बिल्कुल बिल्कुल तुहाडा सही है, आई सी नंदा, ईश्वर चंद्र नंदा, जिसने की किया नाटककारां विचों किसने पंजाबी नाटक नूं सब तो वध पहला जिहड़ा रंगमंच नाल जुड़िया सी, ओह सी आई सी नंदा। अगली ते आ जाओ, लोहा कुट नाटक का लेखक कौन है, देखो लोहा कुट नाटक तुहानूं दस्सिया ना बहुत इंपोर्टेंट है, कणक दी वली हो गया इसका, लोहा कुट हो गया, ठीक है, तो एक होर आप पढ़िया सी इस तो पहला धूनी दी अग, तो इंपोर्टेंट हैगे है, तो लोहा कुट बहुत बारी पूछा जा चुके, आप पहला 2016 के पढ़िया हूँ 2017 पूछा जा चुके, ठीक है, तो दसो इसका राइट आंसर की होगा, तुम्हें पता ही है बलवंत गार्गी, यही आंसर होएगा 125 का। अगले तो आ जाओ, पंजाबी नाटक की नक्कड़ दादी किसी कहा जाता है, 2017 पूछा जा चुका क्वेश्चन, इस तो पहले आप कर चुके हैं क्वेश्चन ये टी जी टी 2015 के, ठीक है, तो कहने का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर हालत के, इस चीज़ को नोट रखियो, आंसर हैगा नौरा रिचर्ड, कर चुके हैं आप 2017 मिस्टर मास्टर मिस्टर के पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी नाटक को पिंड सदर तक पद्धर तक लै जाने वाला नाटककार, ये थोड़ा जहा नवा क्वेश्चन है, करो आंसर, 127 का आंसर, पंजाबी नाटक न पिंड पत्थर तक लै जाने वाला नाटककार कौन है, 127 का आंसर, मास्टर मिस्टर 2017 के पूछा। जी आंसर तुहाडा ओके,
हाँ आंसर हैगा ईड़ी, सी आंसर हैगा इसका गुरशरण सिंह। अगले ते आ जाओ, डैश नू पंजाबी दा बाबा बोड़ कहा जाता है, करो आंसर। डैश नू पंजाबी दा बाबा बोड़ किसनू कहा जाता, पंजाबी दा बाबा बोड़। पहला आप पढ़िया सी नाटक दा बाबा बोड़, है ना, नाटक दा बाबा बोड़ किसनू कहा जाता, डॉक्टर हरचरण नू। पर पंजाबी दा बाबा बोड़ किसनू कहा जाता है, 128 दा आंसर करो। एक सौ अठाई का आंसर जी, आंसर तो आना स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ आप पढ़े इस तो पहला कर चुके हैं शायद बहुत बार गल्लां बातां च भी और डिस्कशन दे विच भी। संत सिंह सेखों 128 का रहेगा, बिल्कुल तुहाडा संत सिंह सेखों नूं पंजाबी दा बाबा बोर्ड कहा जाता है। जेकर नाटक जगत का बाबा बोर्ड देखा जाए वो किसनूं कहा जाता, डॉक्टर हरचरण नूं। इसनूं याद रखियो दोनों नूं। अगे एकांगी नाटक विच किन्ने अंग होंगे है, करो आंसर। 129 का मास्टर मिस्टर 2017 पूछा जा चुका क्वेश्चन है, एकांगी नाटक विच किन्ने अंग होंगे है। तुम दस्या नाटक कई प्रकार के होंगे, एकांगी नाटक, टीवी नाटक, रेडियो नाटक, लघु नाटक, परछावां नाटक, ठीक है। करो 139 का आंसर, एकांगी नाटक विच किन्ने अंग होंगे हैं। चलो 39 नहीं 129, सॉरी 129 का आंसर रहेगा, एकांगी नाटक विच किन्ने अंग होंगे है। ओके आंसर कर रहे है गया ए, एक अंग, बिल्कुल सही। एक चीज़ और दस दी, जो एकांगी नाटक होंगे ये नाटक नालों छोटा होंगे है, जो कि पूरा नाटक होंगे ना, पूरा नाटक जिसनों आप कला नाटक भी बोल सकते हैं, तो उस नालों एकांगी नाटक छोटा होंगे। एकांगी नाटक शायद 45 मिनट का मनिया जाता मैक्सीमम, ठीक है, इसको नोट कर लियो। अगले क्वेश्चन दो, पंजाबी का पहला नाटककार कौन है, आंसर करो। पंजाबी का पहला नाटककार 2017 पूछा जा चुके है, पंजाबी का पहला नाटककार। जी 130 का आंसर करो, पंजाबी का पहला नाटककार। बी आंसर तुसी दे रहे हो, ठीक है, 130 का आंसर हो गया बी, ईश्वर चंद्र नंदा। बहुत पॉइंट, पंजाबी का पहला नाटककार कहा जाता ईश्वर चंद्र नंदा। अगले क्वेश्चन दे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल नाटक विच बाकी साहित रूपां नालों वखरा तत् की है, नाटक दे विच बाकी साहित रूपां नालों वखरा तत् की मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है अज का, एकांगी नाटककारां बारे जिहड़ा अपना चैप्टर सी खत्म हो चुके हैं, इस तों बाद स्वै जीवनी का कल तो चैप्टर स्टार्ट करांगे। फस्ट टाइम चैनल पर विजिट कर दो, प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन का बटन जरूर दब लियो। और जेकर तुहानूं अज की क्लास साडी वधिया लगी तो प्लीज़ बद तो बद लाइक शेयर कराया करो, ताकि साड़ी मेहनत का तुहानू फायदा होवे और सानू भी फायदा रहे, ताकि सानू मोटिवेशन मिलता रहे, तुहाडे मोटिवेशन दे सदका जिहड़ी क्लास चलेगी। जेकर तुसी रिस्पोंस नहीं दोगे तो हो सकता क्लास बंद हो सकती है, तो इसलिए तुहाडा बद तो बद रिस्पोंस चाहिए, ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा तुसी शेयर करना वीडियो नू और लाइक करना, कमेंट करना किस तरह क्लास लगी, और जो विरोधी है थोड़े मोटे तो उन्होंने थोड़ा मोटा सबक जरूर सिखा दिया करो। चलो जी आंसर है इसका 31 का ईड़ी, रंगमंच। नाटक विच बाकी साहित रूपां नालों किहड़ा वखरा तत् मिलता, रंगमंच मिलता, यह रंगमंच उत्ते खेडिया जाता नाटक। चलो आशा के वधिया लग्या होगा अज्ज का लैक्चर, किसी भी तरह की कोई सजैशन डॉट है तो जरूर दस्यो। सवाल तुहाडा बलविंदर कौर जी, ठीक है, दीप हरदीप, हाँ जी आंसर सी हो चुके इसका। जी हाँ बुक्स की गल कर रहे हो कि बुक्स सजेस्ट कर दो, बुक्स तो तुसी जेकर देखे जाए
ਤਾਂ ਐਮਏ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ, ਸਵਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨਜ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਵਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੈਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਵਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਪੇਡ ਕਲਾਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਪੇਡ ਕਲਾਸ ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਿਕਸ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ SST ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਗਨ ਜਵੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2-1.5 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਿਕਸ ਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੀਸ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸਦੀ ਪੇਡ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ। 11 ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰਾਣੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 10-15, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਉਹ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 150-150 ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, MSW ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, MSW ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ MSW ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਹੈ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ MSW, ਸੋ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜੀ 66 ਤੋਂ 75 ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁੰਦਰ ਰਾਣੀ ਜੀ? 66 ਤੋਂ 75, 4 ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ, 5 ਉਹ, 11 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 11 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? 11 ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 11 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਓਕੇ।